उसके साथ खाना खाते हुए, और इसके बाद खाना खाकर माता के दरबार में प्रस्थान करेंगे लोग। चलिए ये देख लीजिए। Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. तो यहाँ पे हम लोग पास के लिए लाइन लगे हुए हैं काउंटर नंबर 2 के पास। तो यहाँ से हम लोगों का पास बनेगा, फ़ोटो लिया जाएगा और पास बना के दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये मैडम है, पास बना रही है। तो ये मेरा पास बन गया है, देखिए आप लिखा हुआ है राजीव रंजन। और मेरे फ्रेंड सब जो है वो लाइन में लगा हुआ है सब अपना पास बनवाने के लिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ जो मेन गेट है ये, यहाँ से आप अपना पास दिखाकर और अपने सामान को चेक कराकर आप यहाँ से अंदर जाते हैं। और यहाँ से जो है ये चढ़ाई स्टार्ट होता है। और ये पहला चेकिंग पॉइंट है, रास्ते में बहुत चेकिंग पॉइंट आपको मिलेगा, लेकिन ये फर्स्ट चेकिंग पॉइंट है, मेन गेट है ये। यहाँ से शुरू होता है चढ़ाई। तो हम अपना पास दिखाकर और ये देखिए अंदर आ गए हुए हैं। और यहाँ से ये नज़ारा दिख रहा है ये, और यहाँ काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। ये सब जो है अपना पास दिखाकर अंदर आ गए हुए हैं। अब यहाँ से जो चढ़ाई स्टार्ट होगा, जिसको पैदल जाना है वो पैदल जाएगा, और जिसको घोड़ा वगैरह लेकर जाना है वो घोड़ा वगैरह लेकर जा सकता है। तो ये हम लोग हैं, मेरा फ्रेंड सब है ये। तो चलिए हम लोग अब चढ़ाई स्टार्ट करते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। Just dripping on the streets, turning on my lights, playing.
a lot of you kids, it's a fucking jungle out there. Keep your head on tight, unknown brain in mind, me baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, you're too strong. Wanna battle with the beast, bring a few on. The commander and the chief for my crew on. Bullets rattling and whistle at your toque. Never sleep, eyes open, hands clutching on my loop. This a war zone. This a war zone. Yo, this a motherfucking war zone. Yeah, feel the impact. Yeah, break it open, leaving nothing f***ing intact. Hey yo, you've been hacked. You're safe, hard in, but I found it, homie, been cracked. Brahms, bolo, jai mata di. Jai mata di. Jyot, bolo, jai mata di. Yo, this a war zone, homie, say you ready and prepare. Take a minute, make them aware. Well, I'll be sneaking in the back, but it's worth the clap, homie, life ain't fair. Caught me crawling through the mud, where the vision saw it clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing, thank the Lord, oh how I'm living. See me riding with my top down, all cops round, pedal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop. Thank you.
No, 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 no. Thank you.
तो ये हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, ये पूरा पहाड़ के ऊपर बादल ऐसे बैठा हुआ है, पूरा घिरे हुआ है बादल एकदम चारों तरफ से पहाड़ के। पहाड़ बहुत ऊंचा है लेकिन ये बादल की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ अभी अकेले ही पहुँचे हैं और हमारा फ्रेंड सब जो है वो बिछड़ गया है, इधर उधर हो गया है। हम अकेले हैं अभी यहाँ पे, वीडियो शूट कर रहे हैं, पता नहीं वो सब कहाँ है। यहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है इसलिए कॉल भी नहीं लगा सकते हम। और यहाँ पे आपको कॉल करने के लिए अगर आपको चाहिए सिम तो आप सिम ले सकते हैं, यात्री सिम मिलता है यहाँ पे, जो कि सिर्फ यहीं से काम करेगा। वो सिम जो है यहाँ से कहीं पे भी आप कॉल लगाइएगा तो काम करेगा, लेकिन यहाँ से जब बाहर जाइएगा तो कॉल नहीं लगेगा कहीं पे भी, ना ही कहीं से आएगा कॉल। और अगर आपको ऐसे कॉल लगाना है तो उसके लिए भी सुविधा है, आप कॉल लगा सकते हैं। STD की सुविधा है, सभी कंपनी वालों ने अपना अपना STD लगा रखा है, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, ये सब। तो STD का चार्ज कटता है 5 रुपये मिनट, 1 मिनट आप बात करते हैं तो 5 रुपये लगेगा। तो उस हिसाब से आप अपना देख लीजिए, आपको सिम लेना है या फिर आपको STD से ही बात करना है। सिम 250 में मिलता है यहाँ पे। और एक ये है कि यहाँ पे आधार कार्ड से सिम नहीं मिलता है इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया। या तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या फिर वोटर ID कार्ड, इसी दोनों से सिम मिलता है। तो अगर आप सिम नहीं लेते हैं तो STD का यूज़ कर सकते हैं, 5 रुपये मिनट लगता है। तो अभी हम अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं और यहाँ पे वेट कर रहे हैं फ्रेंड सब का, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो लगता है अब अकेले ही चलना होगा क्योंकि बहुत समय से वेट कर लिए यहाँ पे हम, लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे रुके हुए। फिर चल के थोड़ा आगे रुकेंगे, उसके बाद देखेंगे, अगर आते हैं तो साथ में चलेंगे, नहीं तो अकेले ही फिर चलेंगे। अभी जो है फ्रेंड सबसे पिछड़ गए हम और अभी अकेले चल रहे हैं, तो रुक रुक के चल रहे हैं। अकेले पूरा हालत खराब हो गया है, अभी बहुत दूर ठंड है, अभी वहाँ जाना है वहाँ। तो यहाँ पे जो है कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं यहाँ पे हम, ये नेस्कैफे का यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है इसीलिए हम, और अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं और कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं, पीने के बाद फिर चलते हैं। Yo,
till it's a war zone, homie. Say you ready and prepare. Take a minute, make them aware. Well, I'll be sneaking in the back, but it's worth the clap. Homie, life ain't fair. Caught me falling through the mud with a vision, saw it clearly. Born a shepherd to these sheep. Make them fear me. This a war zone. Trashed out. एक हेलीकॉप्टर का स्टॉपेज वो है यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करता है यहाँ पे और एक ऊपर भी है क्योंकि तो ऊपर चलने में बहुत टाइम है चलते हैं ऊपर बहुत टाइम है ऐसे आप इन वहाँ पे जाना है चलते रहो अभी चलने में थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि ये जो है पूरा चढ़ाव मतलब चढ़ने वाला रास्ता नहीं है ये जो प्लेन रास्ता है एकदम पूरा प्लेन रास्ता है तो चढ़ने में थोड़ा आसानी हो रहा है लेकिन इसके पहले तो पूरा एकदम हालत ख़राब हो गया था ऐसे ऊपर चढ़ने वाला था अभी पूरा जो है अभी पूरा प्लेन है तो अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा अरे सब साइड में पूरा हवा का कटिंग किया हुआ सब अकेले घूम रहे मेरे साथ तीन फ्रेंड आए हुए थे वो कहीं रह गए उनके लिए ना अंकल भी कराया था दो तीन बार लेकिन वो मिले नहीं तो फिर सबसे चलते हैं अकेले तब तक क्या एक जो है एक यहाँ पे ये यहाँ पे है हेलीकॉप्टर के लैंडिंग का ये जगह बनाया हुआ है एक यहाँ पे लैंड करता है यहाँ से सूरज भी देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये बंदर पूरा पेड़ के ऊपर बीच में बैठा हुआ ये चढ़ाई ऐसा है पहले ऊपर चढ़ो फिर नीचे जाओ उसके बाद जाके दर्शन होता है तो अभी मैं ऊपर चढ़ गया हूँ ऊपर चढ़ने के बाद फिर नीचे जाता हूँ तो मंदिर में पहुँचूँगा थोड़ा देर में अब 25 मिनट या आधा घंटा उसके बाद फिर से वापस आऊँगा तो यहाँ से ये देखिए भवन जो है दिख रहा है माता रानी का और यहाँ से हम लोग चल रहे हैं यहाँ से मतलब भाई 20 मिनट लगेगा वहाँ नीचे जाने में और ये जो केबल कार जो है ये नीचे माता के भवन से डायरेक्ट ये ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर ले जाता है भैरव बाबा के स्थान के पास तो ये केबल कार से भी आप जा सकते हैं और ये जो है ये देखिए कितना अच्छा शाम दिख रहा है यहाँ सूरज ढलता हुआ ये दो पहाड़ जो है वो ऐसे है इसके दोनों पहाड़ के बीच से ये जो है सूरज सामने डूबता है और इसके ठीक सामने माता का जो है मंदिर है एकदम ठीक सामने तो यहाँ से सूर्यास्त भी बहुत अच्छा दिखाई देता है आप देख सकते हैं यहाँ सामने माता का मंदिर है तो हम लोग सभी फ्रेंड्स जो बिछड़े हुए थे वो हम लोग माता रानी के मंदिर के पास आके सब कोई मिल गए एक साथ और उसके बाद माता रानी के दर्शन करने के बाद जब हम लोग यहाँ पे आए वो वहाँ का वीडियो नहीं है क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए पहले आपको सब सामान एक लॉकर में आपको जमा करना पड़ता है जमा करके और आप जाते हैं वहाँ पे और अंदर जो है उसके अंदर जो एंट्री होता है वहाँ पे आप कैमरा वगैरह नहीं ले जा सकते हैं ना ही कैमरा ले जा सकते हैं ना ही फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं सिर्फ एक थैला रहता है प्रसाद का और उसमें से भी नारियल जो है गेट के पास ही ले लिया जाता है और प्रसाद सिर्फ लेकर जाया जाता है और दर्शन करके चलाया जाता है तो हम लोग भैरव बाबा के मंदिर के पास जाने के लिए आए केबल कार के लिए तब तक लेट हो गया था 6:20 हो गया था तो हम लोग जो है 2 किलोमीटर पैदल ही जाने वाले थे ऊपर भैरव बाबा के मंदिर के पास तो भूख भी काफ़ी लग गया हुआ था क्योंकि सुबह में जो ही खाए थे वही खाए हुए थे तो हम लोग यहाँ पे जो है एक एक बर्गर और एक कॉफ़ी पिए और एक बर्गर खाए
उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर भैरव बाबा के मंदिर के लिए 2 किलोमीटर ऊपर का चढ़ाई शुरू की। तो आप देखते रहिए, आगे फिर बताते रहेंगे। ये मेरे दोस्त है जो हमेशा खाई चौ रहे हैं ऊपर। अभी भी देखिए ये लोग इतना खा रहे हैं, मतलब समझिए कि अभी खा ही रहे हैं लोग। इधर चढ़ते खाते चौ रहे हैं और खाते उतरे हैं, अभी लोग खा ही रहे हैं वैष्णो माता के पास, मंदिर के पास। तो अब माता का दर्शन हो गया है और हम लोग वापस जा रहे हैं, और वापस जाने से पहले भैरव बाबा का दर्शन करेंगे। इसके लिए वहाँ पे चढ़ रहे हैं, ये थोड़ा ज़्यादा चढ़ाई है, अब देखते हैं, काफ़ी ऊंचा है ये। और ये नीचे देख सकते हैं, मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ और ये मेरा फ्रेंड जो है बहुत नीचे आ रहा है विक्की। तो हम रास्ते में खो गए थे लेकिन मंदिर के पास आके मिल गया सब कोई, मेरा जितना भी फ्रेंड था, 3 फ्रेंड, 4 बंदे आए हुए थे, तो चार मिले। पैर अब थक गया है मुझसे, अब ना हो रहा है। मैंने बोला घोड़ा के लिए तो उन लोग ने 600 रुपया मांग रहा है 2 किलोमीटर के लिए। 2 किलोमीटर के लिए भाई लोग, मन में श्रद्धा हो तो 2 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है, चढ़ जाना चाहिए, इतना चढ़ के पैदल ही आए। मैं तो और अपने दोस्त जा रहे हैं। चलो भाई, तो जय माता दी, भैरव बाबा की जय हो, भैरव बाबा की जय हो, और भैरव बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर के पास। आपको मंदिर के पास, तो चलिए आपको मैं दिखाऊंगा। ये सामने अभी अंधेरा हो गया है और ये माता का मंदिर जो है यहाँ पे पूरा लाइट जल रहा है। ओ लाइट कट गया, लाइट कट गया पूरा, और बहुत हल्ला भी होने लगा है, बहुत शोर शराबा हो रहा है, पता नहीं कैसे लाइट कट गया यहाँ का। सब कोई देखिए अभी आ गया, आ गया, आ गया लाइट, ये फिर से जल रहा है। ये माता का मंदिर, मंदिर पहले कटरा से तो चढ़ना पड़ता है ऊपर, और फिर इस मंदिर में आने के लिए फिर ऊपर से नीचे आना पड़ता है, उसके बाद ये मंदिर आपको मिलेगा। और फिर भैरव बाबा के मंदिर के लिए ये हम चढ़ रहे हैं। ये बहुत, ये जो हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं वो 351 गो है, और हमें अभी लगता है अभी 100-150 आधा चढ़े होंगे या नहीं, भी 45% तो चढ़े होंगे। तो चलिए चढ़ते हैं ऊपर में। ये बैग भी है इतना बड़ा, बहुत भारी है, बहुत भारी लग रहा है, एकदम सांस फूल जा रहा है। अभी जो हम लोग भैरव बाबा के मंदिर के पास पहुंच गए हैं, यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि आरती हो रहा है। देखिए सब कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ बैठने के लिए जगह है, बहुत जगह यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये मंदिर है। हम भैरव बाबा का दर्शन करके अब वापस लौट रहे हैं, तो रास्ते में है अभी। इधर चढ़ने से थोड़ा आसान लग रहा है उतरना, क्योंकि इसका स्लोप जो है नीचे की तरफ है एकदम, और आसानी से जो है बिना चले ही चले जा रहे हैं। और चढ़ने के वक्त तो पूरा एकदम हालत ख़राब हो गया था, जितना दूर अभी नॉन स्टॉप चल ले रहे हैं उतने देर में 2-3 बार ब्रेक ले रहे थे, बैठ रहे थे, आराम कर रहे थे। और अभी जो है कि एक लगातार चलते जा रहे हैं, तो बहुत नीचे उतर गए हैं,
काफ़ी नीचे आ गए हैं इतने टाइम में। अभी चढ़ने के टाइम इसका आधा भी नहीं चढ़े हुए थे, 50% जितना भी मैं उतरा हूँ अभी उसका। उतरने में काफ़ी दिक्कत होता है और उतरने में थोड़ा आसानी रहता है, पैर जल्दी दुखता नहीं है। बस आपको ये कंट्रोल करना है कि आप गिरे नहीं, क्योंकि एकदम आगे की तरफ लगता है कि कोई पीछे से धक्का दे रहा है वैसे। तो अभी उतर रहे हैं, तो अभी जो है हम लोग लगभग 6-7 किलोमीटर नीचे उतर गए हैं और अभी आधा से ज़्यादा मतलब बाकी है, 50% भी नीचे नहीं उतरे। और उतर रहे हैं, ये बगल में फ्रेंड है विक्रम। तो यहाँ हम लोग है कि आधा उतर गए नीचे, यहाँ पे अधिकारी के पास पहुँच गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी रात हो चुका है, तो देखिए अभी और आधा उतरने में कितना टाइम लगता है। और आधा जल्दी उतर गए हैं क्योंकि चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होता है, उतरने में नहीं, तो इसलिए जल्दी उतर गए हैं इस समय। अभी रात हो चुका है और यहाँ पर देखिए ये अधिकारी ये भवन है, ये आधे रास्ते के बीच में ये बना हुआ है। और यहाँ ऊपर से देखिए ये कैसा व्यू दिख रहा है पूरा नीचे का, और वहाँ लास्ट में सबसे स्टेशन है और बाकी सब वो घर वगैरह है। चल तो यहाँ पे फुल बॉडी मसाज करा रहे हैं क्योंकि पूरा पैर दुख गया था और सोचे कि करा कर देखते हैं कैसा है, पहली बार करा रहे हैं। तो 50 रुपये का था, 50 रुपये में फुल बॉडी मसाज और 30 रुपये में सिर्फ पैर का मसाज होता है, तो मैंने दोनों लिया, फुल बॉडी मसाज 50 रुपये का। All the choices you made, would you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, would you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप फोटो शूट करा सकते हैं, 5 मिनट में ये लोग फोटो खींच कर और उसे निकाल भी देते हैं, तो इसलिए ऐसा सजाए हुए हैं, बहुत दिखेंगे आपको। देख सकते हैं आप मेन गेट के पास पहुंच गए हैं और अब वापस घर जा रहे हैं। ये है रेलवे स्टेशन, अभी सुबह के 6:30 बज रहा है, 6:50 में जो है ट्रेन है, ये ट्रेन में हम लोग बैठ गए हैं और वापस जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।